गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 13.2. 13.2. नाउ देयर शुड बी साइलेंस इन द क्लास. हरनूर सीधे बैठो, काफी जल्दी निकाल रहे हो नोटबुक आप. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस, सेकंड आल्सो आई गिव यू होमवर्क. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. साइलेंस. A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of the cross section is 4 centimeter. The outer diameter is 4.4 centimeter. Find its inner curved surface area, outer curved surface area, and the total surface area. Now they are talking about a pipe. जो बेटा pipe होती है, that is hollow. अगर पाइप की बात करें वो हमेशा क्या होती है, हॉलो. हॉलो का मतलब खाली, खाली खाली होती है. तो इसका मतलब ना वो इधर से बंद है ना वो इधर से बंद है. दैट्स व्हाई इट इज अ पाइप. ठीक है. सो वी व्हाट वी हैव बीन गिवन इट्स लेंथ, दैट इज द हाइट 77 सेंटीमीटर, राइट. What else is given? Inner diameter of cross section means, जो भी ये हमारे पास सिलेंडर है इसका ये इनर डायमीटर, अंदर वाला डायमीटर, डायमीटर गिवन है, हाँ अंदर वाला डायमीटर, दैट वी विल रिप्रेजेंट इट विद स्मॉल डी. अंदर वाला डायमीटर बेटा 4 है, तो रेडियस कितना, ये पूरा 4 है, रेडियस कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2. एंड बाहर वाला जो डायमीटर है दैट इज 4.4, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.2. ये आपको समझ आ गई अंदर वाले रेडियस और बाहर वाले रेडियस की बात. जैसे आपके पास बॉटल है, आदित्य जी बॉटल दीजिए, ठीक है. ये बॉटल है आपके पास, बाहर वाला डायमीटर मींस ये, मतलब मान लो ये पूरा हो, ये तो चलो इसी की बात करें, अगर ढक्कन की बात करें, बाहर वाला डायमीटर मींस ये, ठीक है, अंदर वाला डायमीटर मतलब ये, समझ आ गई. तो इसमें फर्क क्या होता है, ये जो थिकनेस है ना इसकी वजह से वो फर्क होता है. बाहर वाला डायमीटर अंदर वाले डायमीटर से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर. क्या होगा हमेशा, हाँ ऑब्वियसली अंदर वाला डायमीटर. और अगर आप कहो कि मैम ये तो सेम है, जितना इधर उतना उधर, नहीं. जब हमने इस बॉटल के ढक्कन को बनाना है तो ये जो डायमीटर है और अंदर, आप मेजर करके देखोगे अगर स्मॉल, बिल्कुल माइन्यूटली देयर विल बी डिफरेंस, क्योंकि वो बनने अंदर वाला जो एरिया में और बाहर वाले एरिया में फर्क रहता है, बिल्कुल सेम सेम नहीं होगा. अगर हम सिलेंडर की बात करें, क्योंकि ऐसे करके वो कर्व भी हो रहा है ना बीच में, ऐसे करके सिलेंडर का वो बाउंड्री है, जैसे ये सिलेंडर की बाउंड्री है. अगर हम सिंपल एक सर्कल काट लें कार्डबोर्ड का, ठीक है, 2D हो जाए अगर, तो डायमीटर सेम होगा इस साइड का भी उस साइड का भी. लेकिन अगर हम 3D ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं सिलेंडर की, तो उसके बाहर वाला डायमीटर विल बी ग्रेटर देन द इनर डायमीटर. बात समझ में आ गई. तो यहां पर हमारे पास हाइट है 77 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर लिखना शुरू करो, हाइट 77 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर डी इज 4 सेंटीमीटर, इनर रेडियस स्मॉल इज 2 सेंटीमीटर. आपने ध्यान से देखना कि आपको क्या गिवन है, डायमीटर की रेडियस, ये नहीं कि डायमीटर गिवन है तो उसको रेडियस पे लेके चल सॉल्व करो, योर क्वेश्चन विल गेट रॉन्ग, टोटल रॉन्ग. फाइन. सिमिलरली अगर डायमीटर गिवन है और तू उसको रेडियस की जगह लिख देगा, डायमीटर यहाँ 4 है, हमारे फॉर्मूले में रेडियस होता है, तो आपने डायमीटर को हाफ करना है. अगर आप उसको हाफ किए बिना सीधा डायमीटर ले लोगे तो वो गलत हो जाएगा. डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर, सो आउटर रेडियस विल बी कैपिटल आर
2.2 सेंटीमीटर. फाइन. नाउ इन द फर्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. यस वंशिका, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? कल क्लास नहीं लगाई, एक मिनट क्यों नहीं लगाई? गए हुए थे. आप बता दो. आज ठीक है ना, आज पहन के रखना. आप बताओ. 2πRh. द कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया होता कौन सा है? ये साइड वाला. ठीक है, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया. सो फाइंड आउट, लेट्स फाइंड आउट इनर कर्व सरफेस एरिया इज 2πRh. 2 × 22/7. रेडियस इज 2 एंड हाइट इज 77. जस्ट वन मिनट नोट डाउन. 7, 11. सो आंसर इज 9. सो नाउ दिस बताती हूँ बेटा, स्टेप वाइज बताऊंगी कि ये मिस कर दूं. आउटर कर्व सरफेस एरिया इज 2πRh. आउटर निकालना है तो हमें आउटर वाला रेडियस लेना पड़ेगा, एंड आउटर रेडियस इज कैपिटल आर. सो इट इज 2 × 22/7 इंटू रेडियस इज 2.2, हाइट इज 77. सो एनीवन? Centimeter square. Kindly note down the beta, then we will do the total surface area. Yes, 9th class. Now, what is the total surface area? Volume होता है वो. Okay, keep quiet. No. Listen to me. Be quiet, everyone. Now, beta, yesterday we have discussed. Please listen to me. Later on, write down. Simran, stop writing. The total surface area of the cylinder yesterday we have done that it is 2πR(R+H). Yes, but that was the total surface area when the cylinder is closed. वो किसका total surface area है? जब cylinder हमारा closed है. मान लो ये bottle है. इस bottle का total surface area क्या है? 2πR(R+H). But here we are not having a cylinder which is closed. We have to talk about here the total surface area of the pipe. Means hollow cylinder. उसमें क्या होता है? Hollow cylinder में एक तो curved surface area आएगा. ध्यान से समझो. 2πRh. 2πRh. अब इसमें radius कौन सा लेंगे? Outer. कौन सा radius लेंगे? ये बात समझ में आ गई क्यों? क्योंकि हमने अगर cylinder की बात करनी है तो cylinder का curved surface area होता है ये बाहर वाला. टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना जिसको हम टच कर रहे हैं, इसको 2πRh. इसमें कैपिटल आर लेंगे इसके. एक मिनट टोटल सरफेस एरिया, एक मिनट बता रही हूँ. हाँ एक मिनट बेटा आदित्य, मेरे को ना ऐसे नॉनसेंस नहीं चाहिए, बातें चाहिए. तुम चुप रहो जरा, अब समझाने दो. तुम्हारी नॉनसेंस बात सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है. किसको प्लस कर दिया तो फिर गलत है, वो गलत करते जाओ. नाउ अंडरस्टैंड दोज़ हू वांट टू अंडरस्टैंड, इफ यू नॉट देन करते जाओ प्लस. एक हमारे पास पाइप है, उसका हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है. टोटल सरफेस एरिया मतलब जिस पोर्शन को हम टच कर सकते हैं. इट विल बी व्हाट? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस
इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आई फॉलो, आई कैन टच दैट ऑल्सो. सो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस, अब ये जो मान लो हमारी पाइप है अंदर से खाली है, मैं इस चीज को भी तो टच कर सकती हूँ, इसकी बाउंड्री को, इसकी बाउंड्री को टच कर सकती हूँ. अब इस बाउंड्री का एरिया क्या है, इस बाउंड्री का एरिया पाई आर स्क्वायर. नहीं बेटा, पाई आर स्क्वायर तो ये ए पूरा होता है, ये बीच वाला, हमने इसकी बात करनी है. सरकमफ्रेंस नहीं, क्या होता है जो हमारी पाइप का ये बाउंड्री वाला एरिया, हम पेरीमीटर की बात नहीं कर रहे, हम एरिया की बात कर रहे हैं. सुनो, वो कैसे निकलता है बाहर वाले एरिया में से अंदर वाले एरिया को, अपने ना दिमाग में इमेजिन करो, ठीक है, पाइप को पूरा जो बाहर वाला एरिया है उसमें अंदर वाला एरिया जब माइनस करेंगे तो बिल्कुल वो ब्रीक वाली बाउंड्री का एरिया आ जाएगा. समझ आ गई? मींस पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर. बात समझ में आई कि नहीं? सिलेंडर पाइप को इमेजिन करो, उसमें हमारी जो बाउंड्री है जिसको हम टच कर सकते हैं, उसका एरिया कैसे आएगा, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल को जब हम माइनस करेंगे तो बारीक वाली तार का एरिया आ जाएगा. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, एक पाइप का जो एरिया है वो ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है कि नहीं? मतलब हो रहे हो, समझो फिर. एक तो ये हो गया इसका, एक ऐसे ही दूसरी साइड भी है, तो मतलब व्हाट विल बी, व्हाट वी हैव टू राइट, टू पाई आर स्क्वायर माइनस, ये नहीं बात किसको नहीं आई अभी भी समझ, रेज योर हैंड. इनर कर्व सरफेस एरिया समझ आ गया, आउटर कर्व सरफेस एरिया आ गया, उसके बाद प्लस जो बाउंड्री है हमारी उसका एरिया लेने के लिए आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया ऊपर वाले सर्कल का. दूसरी साइड का अगेन पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, टू कैपिटल पाई आर स्क्वायर माइनस टू स्मॉल पाई आर स्क्वायर. इज इट क्लियर? सो इट विल बी द टोटल सरफेस एरिया वी विल राइट डाउन टू पाई. बेटा मुझे ये बताओ कि क्या बात है, मुझे अपनी क्लास में ये नॉनसेंस नहीं चाहिए. यू नो मी, ऐसे हंसना हंसाना ये बेवकूफियां अपने घर पे करो, मेरी क्लास में नहीं. माय कैन नॉट टॉलरेट हूसोएवर, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट सिंगल चाइल्ड, ये सब नहीं चलेगा, प्लीज. आई डोंट लाइक जब नहीं पढ़ा रही हूं उस वक्त बात करते हो, मैं नहीं कुछ कहती, हंसो जो मर्जी करो, लेकिन जब मैं पढ़ा रही हूं उस वक्त नहीं ड्रामे चलने. 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. अब इसमें से देखो, इसमें कैसे करेंगे, इन दो टर्म्स में से 2 पाई एच कॉमन है, हम लिख लेंगे 2 पाई एच, क्या बचा आर प्लस, बार बार पाई की वैल्यू फिल करने की बजाय हमने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया, पूरा 2 पाई भी ले सकते हो आप कॉमन, 2 पाई कॉमन ले लिया. चलो फिर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. नाउ दिस इज वन टर्म, दिस इज दी अनदर टर्म, आप टोटल में से भी ले सकते हो, 2 पाई कॉमन लिया, लेकिन पता क्या है, इसमें एच नहीं है ना, इसलिए मैंने अलग अलग से आपको करके दिखाया. अगर 2 पाई ले लोगे फिर यहाँ आर एच प्लस स्मॉल आर एच, फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है. तो ये एक, ये पता ना कि मल्टीप्लाई है, तो ये एक टर्म प्लस के साथ ये दूसरी टर्म, फिर क्या करेंगे, क्या कॉमन ले लें, 2 पाई कॉमन लेना चाहे कॉमन ले लो, सीधी वैल्यू पुट करनी है तो वैल्यू पुट कर, बिग ब्रैकेट एच इंटू आर प्लस आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कॉमन नहीं लेना ना बेटे, तो सीधा वैल्यू पुट कर सकते हो, तो उसमें थोड़ी कैलकुलेशन बिगर होगी. नाउ लेट अस पुट द वैल्यू. आर प्लस आर 2.2 प्लस 2 दैट इज 4.2 प्लस 2.2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है. अलग अलग करवाती हूँ, रुको छोड़ो, कॉमन नहीं करते. एम
एच की वैल्यू। मतलब कॉमन, फिर थोड़ी कैलकुलेशन में कंफ्यूजन हो सकती है, इसको अलग करते हैं उसको अलग करते हैं, ठीक है। फिर बार बार बिगर ब्रैकेट डालनी पड़ती है, या तो अगर क्लियर है कंसेप्ट कर सकते हो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे ज्यादा मुझे लगता है ठीक है। फिर 2 × 22/7 बिग ब्रैकेट 2.2² माइनस, ठीक है इधर देखो ये 11, 44 × 11 × 4.2 प्लस 2.2 प्लस 2.2 माइनस 2a² माइनस b², सो इट इज वॉट एवर इट विल कम प्लस 44/7 × 4.2 × 0.4.2 का पॉइंट हटाएंगे डिनोमिनेटर में 10, 76,000, ठीक है। फिर ये जो भी आएगा 44 × 11 × 4.2 then you have to do the calculation and whatever you will get that will be your total surface area. हाथ हिलाओ, बैठे क्यों रहते हो ऐसे ऐसे करके? नहीं बेटा दिखते हैं, ऐसे नहीं है, अगर ऐसे नहीं चल ऐसे तो काम ही नहीं होगा। इसमें 8 एक्सरसाइज है, अगर मैं सारा लिखूंगी उसके बाद आप स्टार्ट करोगे तो फिर कैसे चलेगा? बिल्कुल लिखना ही है, जब एक बार समझा दिया समझ गए उसके बाद जब मैं ये सारी वैल्यूज पुट कर रही हूँ आप स्टार्ट करो साथ में लिखना, उस टाइम तो कुछ नहीं समझा रही ना, बीच बीच में समझो, इतने स्मार्ट तो बनना चाहिए आपको, तो फ्री बैठ जाते हो आप तो रेस्ट कर रहे हो। टेन पॉइंट हटाया ना, इनटू नहीं है पॉइंट है वो, बता सकता है आंसर कोई? लिख लिया आपने, हो गया बेटा, 9:05 पे पीरियड ओवर हो जाता है, जल्दी करो, क्या कर रहे हो आप लोग? चलो लीव इट, यू विल गेट द स्क्रीनशॉट। हु इज देयर टू टेक द स्क्रीन? धीरेन इज नॉट इन द क्लास, धीरेन है, धीरेन स्विच ऑन योर वीडियो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लोगे, फाइन स्विच ऑफ, यू कैन स्विच ऑफ योर वीडियो नाउ। ऑल राइट स्टूडेंट्स, कम टू क्वेश्चन नंबर 4। द डायमीटर ऑफ द रोलर, द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अप प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वेयर। रोलर सबने देखा हुआ है, ठीक है, उसने एक प्लेग्राउंड को लेवल करना है, एक प्लेग्राउंड है उसको लेवल करने के लिए कितनी बार घूमता है? 500 टाइम्स। तो हाउ कैन वी फाइंड द एरिया की, उस प्लेग्राउंड का एरिया कितना है? आपने देखा है जब रोलर रोड पे चलता है तो सिर्फ उसका साइड वाला पोर्शन ही रोड को टच होता है, साइड्स वाला नहीं होता, नहीं होता ना। So what we will do here in this question, we will find the curved surface area of the cylinder, 2πRh. Curved surface area जो cylinder का है, मतलब एक चक्कर में उसने पूरा अपना curved surface area touch किया road को, what will be the area of the playground? Whatever the curved surface area of the cylinder is, multiply by the number of turns it is taking to level the playground. समझ आ गई बात? हमारे ग्राउंड को लेवल करना रोलर ने तो 500 चक्कर लेता है सपोज, तो एरिया कितना है प्लेग्राउंड का? जितना एरिया एक चक्कर का है वो कितना है? 2πRh मल्टीप्लाई बाय 500, वी विल गेट द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। कितनी?
समझ आ गई ये बात? राइट डाउन. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया इन मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर में निकालना है बेटा, हम अपने यूनिट्स को जो डायमेंशन है उसको मीटर में चेंज कर देंगे. राइट डाउन, डायमीटर है एक तो डी स्मॉल डी 84, रेडियस 42. हां जी साहिल बोलो. ठीक है बेटा, डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर, रेडियस इज 42 सेंटीमीटर. लेट अस कन्वर्ट इनटू मीटर्स. कर सकते हो, बस उसमें ये ध्यान रखना है अगर मीटर में बाद में करते हो तो डिवाइड किससे करना है, 10,000 से. मीटर में बाद में करवा दूं? हाइट इज, सो कर्व सरफेस एरिया सीधा भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इज कर्व सरफेस एरिया इनटू 500. सो 7,6,000 ये कितना है? 21,600. नाउ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज कर्व सरफेस एरिया into 500, that is 31,680 into 500 centimeter square. Right? Now you have to convert into meter square. So what you will do? एक दो है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 इंटू 100 जब डिवाइड कर दिया तो ये आ गया मीटर स्क्वायर. सो 1212 10 के साथ गया. सो आंसर इज 5 8s are 40, 0 4 34 3, 5 1s are 5, 6 7 8, 5 3s are 15 over 10, 1584. मीटर स्क्वायर यही है ना आंसर. 000 कहां से आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर ना बेटा, मीटर स्क्वायर में करना है. तो ये आया हमारा आंसर 1584 मीटर स्क्वायर. देखो 100 और 100 से डिवाइड किया, जीरोस कट गई, फिर एक जीरो इसके साथ. आफ्टर दैट आई मल्टीप्लाइड 3168 विद 5. What we get? 15840. और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था? 10. फर्दर वो 00 से कट गई. What is left? 1584. Now this answer is in meter square. जैसे मर्जी कर सकते हो, हमें ये आंसर चाहिए. कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है. हरी आप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. हां जी बेटा, लेट्स डिस्कस. अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर. अब रेट किसमें गिवन है?
मीटर स्क्वायर में। केम्बर क्या होता है, ध्यान से सुनो, मान लो हाइट और रेडियस या डायमीटर व्हाट एवर सेंटीमीटर में गिवन है। आपने ये पेंटिंग की कॉस्ट निकालनी है और जो कॉस्ट है वो किसमें गिवन है, पर मीटर स्क्वायर। तो 100% यू हैव टू चेंज योर यूनिट्स इनटू मीटर, क्योंकि जिस यूनिट में कॉस्ट गिवन है आप कॉस्ट को चेंज नहीं कर सकते। अगर कॉस्ट आपको मीटर स्क्वायर के हिसाब से है तो आप उसको सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से कन्वर्ट नहीं कर सकते, करना है आपने उसको, आपने अपने डायमेंशन को चेंज करना है। ठीक है, वो लिखा हुआ है। वैसे भी अगर पिलर की बात करें जाए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द पिलर एट द रेट ऑफ दिस कर्व्ड, कर्व ना मेंशन किया हो तो पिलर का हमेशा कर्व्ड सरफेस एरिया ही पेंट होता है, क्योंकि पिलर का मतलब होता है एक उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो दीवार में है और नीचे फ्लोर में, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही पेंट होता है कि नहीं। yes, हरनूर जी किससे पूछ के पानी पी रहे हो, आपको अलाउड नहीं है ऐसे पानी पीना, क्योंकि तू तो चिल कर रहा है आराम से। क्या बोल रहा है, मैंने क्या समझाया, चल समझा। Stand up. Stand up. Which question we are doing? Where is your book? Book कहाँ है? कौन सा question कर रही है, करवा रही हूँ? क्या बोला है, समझा, जल्दी समझा दे, एक मिनट है मेरे पास। Yes, yes, boys, please. बोल बोल जल्दी बोल। क्या समझा रही हूँ मैं अभी? नीचे कर मास बेटा, नहीं प्लीज नहीं, एक बच जाएगा ऐसे, टाइम ओवर हो जाएगा। मास मास नीचे, आप बता क्या समझा रहा मैंने, क्या कर निकालना है इसमें, किस चीज की बात कर रहे हैं? ये देखो हाल देखो अपना, सारे जने बता दो उसको एक एक करके। इमेज, बड़ी इमेज बना तो ले पहले, वो अपनी इमेज फिर खराब होगी। डायमीटर 50 सेंटीमीटर, रेडियस 25 सेंटीमीटर, 25 बाय 100 मीटर दैट इज 0.25 मीटर। हाइट इज ऑलरेडी इन मीटर्स, सो राइट डाउन रिक्वायर्ड एरिया। Is curved surface हाँ जी, व्हाट इज इट्स एरिया, 5.5 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज 12.50 एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर इज रुपीज 12.50 इनटू 5.5 दैट इज रुपीज 68.75। ये फेंक देना ऊपर नहीं है। वेरी बैड, वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड। सेंटीमीटर में है ना बेटा, उसको मीटर में चेंज किया। So you are supposed to do all the questions in your fear notebook, okay? And I have told you to do directly in fear. आप जशन कर रहे हो फेयर में सीधा, तो मैं वही तो बोल रही हूँ ना,
हमें पता है कौन सा बच्चा कैसा है, फेयर में क्यों नहीं करते हो सीधा? क्या राइटिंग जैसे फेयर करेगी तो आई विल चेक योर नोटबुक, जो नहीं किया कोई बात नहीं, बाकी का करो ठीक है। Directly do the work in fear, आपका काम खत्म हो रहा है ऐसे। All right, see you too. हाँ जी धीरेन बोलो। मैम जो थर्ड का थर्ड पार्ट था उसका आंसर 2038.0 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था। ठीक है बेटा, ठीक है, चेक कर लो बैक से। All right, see you tomorrow. Take care बेटा।